और SDPO BN सिंह ने अपने कार्यालय में अपराध समीक्षा को लेकर विभिन्न थाना के थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर इंचार्ज के साथ बैठक की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह अपने कार्यालय कक्ष में मधुपुर अनुमंडल के करों, मार्गोमुंडा, बुढ़ई, पथरौल, महिला थाना व मधुपुर थाना इंस्पेक्टर के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक किए। मौके पर SDPO व BN सिंह ने सभी थाना प्रभारी से विगत माह में विभिन्न घटनाओं व लंबित कांडों का बारी बारी से समीक्षा की। लंबित कांडों को जल्द से जल्द निपटाने का दिशा निर्देश दिए। SDPO BN सिंह ने कहा कि पुराने मामले को जल्द से जल्द निपटाएं, थाने में लंबित पड़े मामलों का अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिए। कहा विगत माह थाने में जो आपराधिक मामले घटित हुई हैं, जैसे चोरी की घटना, गृहभेदन की घटना, कहां तक सफलता प्राप्त हुई है उस पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि फरार वारंटियों को गिरफ्तार करें, साथ ही अनुसंधान की दिशा की और क्या क्या कार्रवाई की गई है इस संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। निष्पादन में विगत माह जो भी अभियान चलाया गया उसमें देखा गया कि कुछ खामियां हैं, आने वाले समय में उससे टारगेट दिया गया है कि अविलंब पूरा कर वारंटियों को गिरफ्तार किया जाए। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर समय समय पर गश्ती करें। वहीं लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद बाजार में उमड़ी भीड़ को देखते हुए बिना मास्क लगाए कोई भी देखे तो उन पर कार्रवाई करें। क्या है सर मीटिंग? आज हमारे थाना क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विगत माह घटित घटनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई, साथ ही अनुसंधान की दिशा की ओर क्या क्या कार्रवाई की गई उस संबंध में विस्तृत से चर्चा की गई। वारंट और कुटकिट के निष्पादन में विशेष अभियान विगत माह चलाया गया था, उसमें भी देखा गया है कुछ कमियां हैं, आने वाले समय में जो है टारगेट दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।